तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हुआ हूं झरुआ मेला जो हाजीपुर में लगता है। यहां पे आप देख सकते हैं काफी भीड़ है इस मेले के अंदर। मैं मेले में लेकर जाऊंगा। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि मेले का वीडियो क्यों आप नहीं बनाते हैं, तो इसका क्या कारण है मैं वीडियो के लास्ट में मैं बताना चाहूंगा। आज 8 तारीख है, 10वां महीना। मैं आज इस मेले में क्या क्या है, कैसी कैसी गाय है वो अपडेट करने वाला हूं। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए मैं मेले के अंदर पूरा घुमाता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं सभी गाय को लाइन में बांध दिया गया है। गाय का थन आपको बड़ा देखने मिलता है। इसके कारण यह है कि दूध सुबह का नहीं निकाला हुआ रहता है और शाम का भी दूध पहले निकाल देते हैं ताकि दूध थन बड़ा दिखे। और किसी एक दो गाय का हम प्राइस भी बताएंगे तो आपको अंदाजा हो जाए कि यहाँ पे किस प्राइस में गाय अवेलेबल हो सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसका प्राइस। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी शानदार कलर, खूबसूरत, बढ़िया थन की बनावट भी काफ़ी बढ़िया है। बट मेरे अंदाज से लगभग इसका दूध 12 से 14 केजी होना चाहिए मैक्सिमम। और दांत में देख लेते हैं कितनी दांत है, ये तो जानकारी पूरी जो भी है इनके ओनर से लिया जाएगा। और दूसरी गाय भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हार्डली मुझे लगता है 8-10 केजी दूध करना चाहिए दोनों टाइम का। तो आइए जानते हैं इसका प्राइस। कितनी बार बच्चा दे चुकी है ये? दूसरी ब्यान है। बच्चा क्या है? बाछा है। दूध कितना कर रही है? 24 किलो दूध कर रही है। अरे झूठ मत बोलिए, 12 किलो करेगी एक टाइम में? 14 किलो और सांझ में 10 किलो ना नहीं करेगी। एकदम शुगर हुए हुए, 4 दिन का बच्चा दिया इसमें, एकदम 24 किलो रेडी। 4 दिन में 24 किलो नहीं करेगी भैया, एकदम रेडी दूध है भैया, दो टाइम दूध सकते। दाम कितना मांग रहा है? दाम इसका 85 है। 85। और दूसरा वाला? दूसरा वाला 75। इसका दूध 20 लीटर। कहाँ से हैं आप? तो दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं, क्या नाम है आपका? गया। डेयरी है क्या? फर्स्ट टाइम करना है? डेयरी नहीं है, स्टार्टिंग करना है इसलिए मंडी घूमने आ गए। बहुत बढ़िया। इसका दाम 75। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बुफेलोज है, भैंसों का मंडी इधर आगे लगता है यहाँ पे जस्ट बगल में ये दोनों। अगर भैंस कोई खरीदना चाहता है तो यहाँ आ सकता है, बट कोई खास नहीं है। और गाय की बात की जाए लिट्टी चोखा तो मशहूर है बिहार का। और ये हमारा विवेक साथ में तक पंजाब तक। तो यहाँ पे कुछ मैं पूरे मंडी घूमने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ। घूमने के बाद ये लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 लीटर वाली दूध की गाय यहाँ पे उपलब्ध है। काफ़ी भीड़ तो काफ़ी है बट गाय मुझे नहीं देखने मिल रहा अभी तक के। जो देखा आपने 20 लीटर बोल रहा था, दूध तो करेगी नहीं उतना। यहाँ सामने भी देख रहे हैं तो थोड़ी दुबली पतली गाय देखने मिल रही है। एक यहाँ पर गाय कुछ हद तक के सही। ये देख सकते हैं लगभग 15-16 लीटर दूध निकालना चाहिए। तो इस तरह की गाय बहुत कम है मंडी के अंदर, 4-5 गाय देखने मिल रही है। तो दोस्तों लगभग सभी बिहार के अंदर मेला स्टार्ट हो गया है कोरोना काल के बाद। यहाँ पे पूरा भीड़ देख पा रहे हैं, ट्रक वगैरह का सुविधा है। मगर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ट्रांसपोर्ट का कहाँ कहाँ उपलब्ध होगा, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। हर जगह कुछ पुलिस के डर के वजह से लोग नहीं लेकर जाना चाहते हैं। और इस मंडी के आज के इस मंडी में मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि छोटी मोटी गाय ज़्यादा देखने मिल रही है। छोटी मोटी गाय का मीन्स 10 से 12-14 केजी हार्डली। तो फार्मिंग अगर करना चाहते हैं तो कम से कम 16 लीटर वाली गाय प्लस होनी चाहिए। तो
जितना प्लस वाला अगर आप गाय नहीं खरीदते हैं तो काफी दिक्कत होता है। कितना दाम हुआ हो बाबा, का दाम है? 65,000। दूध 10 किलो। तो दोस्तों ये भैंस का दाम इन्होंने 65,000 बताया है, जिसका दूध दोनों टाइम मिलाकर 5-5, 10 लीटर। एक किसान थे, एक्चुअली काफ़ी भीड़ होने के वजह से दिक्कत आ रहा है पूछने में, बात करने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो गाय, एक ब्लैक कलर और एक वाइट कलर में। ब्लैक वाले का दूध ब्लैक वाला का 18 केजी और वाइट वाले का 16 केजी। दाम ब्लैक वाला के दाम 55,000 रुपया और वाइट वाले का 52,000। बच्चा? दोनों का बच्चा। दांत? 4-6। चार किसका? 4 वाइट वाला। वाइट वाला और इसका 6। ठीक। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसका प्राइस। पैर से डैमेज है। हाँ, तो थोड़ा पैर से डैमेज है। ये भी चलाकर देखने का मकसद यही होता है कि चलती है कि नहीं बढ़िया से। दूध कितना करेगी आपके अंदाज से? 15 केजी। 14-15 केजी करेगी ना। बच्चा बाछा या बाछी जो भी है, इसका एक आपके अंदाज से प्राइस क्या होना चाहिए? 45 के बीच में, बराबर। दांत मिली हुई है भैया, कितना दाम मांग रहा है? दूध मैंने 5-6 किलो ज्यादा ही बताना है। 5-6 किलो ज्यादा ही बताना है। 20 किलो। बचवा क्या है? बाछी बच्चा है। बाछी है, तीसरी है। ठीक है भैया। तो दोस्तों एक सींग वाली गाय, सींग इतना खूबसूरत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उतना ही इसका थन भी खूबसूरत देखने मिलेगा आपको। मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। 20 किलो भैया को। सुन लिए, दूध तो बिना पूछे बता दिए भैया। 20 किलो। दांत में भैया? 6 दांत है। बच्चा क्या है? बाछा। दाम क्या मांग रहा है? दाम तो 65,000। तो सुना आपने। और एक गाय और है छोटी सी, आपका भैया, इसका बताइए दाम। 65,000। तो कोई कोई गाय बदमाश होती है थोड़ा। और जस्ट व्हाइट वाली गाय देख पा रहे हैं, उसका दाम भैया? 65,000। पहला फर्स्ट है। बच्चा है। दूध कितना खरीदी अभी? 16 लीटर करेगा। करेगा नहीं अभी, कितना अभी कर रही? 16 लीटर है। कितना दिन हुआ अभी बच्चा दिए हुए? 4 दिन में 16 किलो 8-8 किलो कर रही है। थोड़ा पीछे कीजिएगा तो उधर से जाके। तो दोस्तों मैंने बताया था शुरू में कि मंडी नहीं आने का वजह क्या था। यहाँ के मंडी आने के बाद होता क्या है कि बहुत सारे सेल्समैन मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। जो नए लोग होते हैं उनको जानकारी नहीं होता है, और वो 10-20 हज़ार की गाय को, 25-30 हज़ार की गाय को 40,000-50,000 तक के दाम दे देते हैं। इसके कारण काफ़ी लोग ठगे गए हैं, कारण यही था। इस वजह से मैंने सोचा मंडी का वीडियो काफ़ी कम अपडेट किया जाएगा, बहुत सारे लोग फ़ायदा, इसलिए इस मंडी का भी किसी सेल्समैन या किसी आदमी का नंबर नहीं दिया जाएगा। आप इस चीज़ से बचें, किसी मंडी में भी जाएं तो एजेंट वगैरह जो भी है उनसे बचना होगा आपको, और काफ़ी जानकारी लेना होगा गाय के बारे में, तो ही आप मंडी से गाय खरीद सकते हैं, काफ़ी दिक्कत होता है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को किसानों तक पहुँचा दें, ताकि वो भी किसी एजेंट किसी मंडी में जा रहे हैं तो उस मंडी में जाने से इस चीज़ से बचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।